हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये हमने रेफरेंस टीआरजेन वीके और जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको कवर करने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, रिलेशन बिटवीन एवरेज मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट। तो ये तीन टॉपिक हमको कवर करने हैं। छोटा सा चैप्टर है, एक ही पार्ट में हो जाएगा। छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या होता है कि जब भी आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, मान लो आप बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर है, आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको कुछ इनपुट्स लगेंगे। इनपुट्स दो टाइप के होते हैं, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट। कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए चीजें चाहिए होती है, इनपुट चाहिए होते हैं। हम उसको हमारे पास शाकला कबूम की पेंसिल नहीं है कि हम उसको ड्रॉ करेंगे और वो हमारे पास बन के आ जाए कि ये ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर लिख दिया चॉकलेट और ये बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो आपको इनपुट चाहिए होंगे। अब इनपुट्स कौन कौन से, एक आते हैं हमारे फैक्टर इनपुट्स, पहला आता है हमारा फैक्टर इनपुट्स। अब ये फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं, ये देखो यहाँ लिखा है फैक्टर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं। फैक्टर इनपुट्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, ये सारे चीजें हमारे फैक्टर इनपुट्स होते हैं। और दूसरे आते हैं हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब ये नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं रॉ मटेरियल की। कोई चीज बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे बनानी है, आपने प्रोड्यूस करनी है शर्ट, क्या हो जाता है आज, आपने शर्ट प्रोड्यूस करनी है, शर्ट बनानी है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक लैंड चाहिए होगा जहां आप अपनी फैक्ट्री को लगाओ, अपनी फैक्ट्री बनाओगे जहां पे आप। ठीक है, लेबर चाहिए होगी जो वहां पे काम करे। ठीक है, कैपिटल चाहिए होंगे आपको, मतलब पैसे चाहिए होंगे सबसे पहले, तो ये तो मेन चीज होती है, मशीनरी वगैरह ये सब चीजें चाहिए होंगी। एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होगी आपको, मतलब लेबर तो आपका काम करेगी लेकिन आपको कुछ स्किल्ड वर्कर्स भी तो चाहिए होंगे जो कि बताएंगे कि कैसे काम होता है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये फैक्टर इनपुट्स में आगे कि आपको लैंड चाहिए जहाँ पे आप अपना ऑफिस क्रिएट करो, फैक्ट्री बनाओ। ठीक है, लेबर चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए आपको और एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्किल्ड वर्कर्स आपको चाहिए। ये फैक्टर फैक्टर इनपुट्स हो गए और इनको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, और नॉन फैक्टर इनपुट्स, अब आपने शर्ट बनानी है, ये सब चीजें आपके पास है, तो शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मतलब अगर आपको कॉटन की शर्ट बनानी हो तो कॉटन चाहिए होगा, सिल्क बनानी है तो सिल्क चाहिए होगा, बटन चाहिए होंगे आपको उसमें लगाने के लिए, तो ये सारी चीजें जो रॉ मटेरियल है ये चाहिए होगा। तो ये रॉ मटेरियल आता है नॉन फैक्टर इनपुट में। फैक्टर इनपुट्स में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और नॉन फैक्टर इनपुट में आते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स। तो जो भी कॉस्ट लगती है, जो भी एक्सपेंडिचर आता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, कोई भी जो भी आउटपुट है आपकी कमोडिटी का, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। कि मतलब जो एक शर्ट को बनाने के लिए, सिर्फ आपका शर्ट का बिजनेस है, इस शर्ट को बनाने के लिए आपने जितना ये पूरा खर्चा किया, ये लैंड, लेबर, कैपिटल से लेकर के रॉ मटेरियल तक का, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जितना आप एक पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसके ऊपर जो आप खर्चा करते हो उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। दो टाइप की कॉस्ट आती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के पास बहुत सारी जमीन जायदाद होती है, मतलब कि बहुत सारा लैंड होता है उनके पास, लैंड बहुत सारा होता है उनके पास, तो वो रेंट पे जैसे लोग लैंड ले लेते हैं, उनको उसकी जरूरत नहीं होती, उनके पास लैंड अपने पास ही बहुत सारा होता है, तो उनका वो क्या सेल्फ ओन्ड इनपुट हो गया कि उन्होंने वो बाहर से नहीं लिया, मार्केट से नहीं लिया। कुछ लोग होते हैं उनके पास घर में इतने लोग होते हैं, उनको लेबर की जरूरत नहीं होती, वो घर वालों से ही काम करवा लेते हैं, तो वो उनका सेल्फ ओन्ड इनपुट हो गया। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, कि जो चीजें आप मार्केट से लेते हो, मान लो आपके पास लेबर नहीं है, आपने मार्केट से लेबर लिया है,
ये हमारे ऑफिस में आओ, यहाँ काम करो, तो वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है। किसमें आती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है। जो चीज आप मार्केट से लेते हो, मार्केट से उठाते हो, उसको आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हो। लेकिन जो चीज, जैसे लैंड आपके पास ऑलरेडी थी, आपने मार्केट से नहीं उठाई, तो ये इम्प्लिसिट हो गई, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई कि जो आपके पास है ऑलरेडी, आप उसको यूज कर रहे हो, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, और जो आप मार्केट से उठा रहे हो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस पता लग गया होगा। मार्केट से लेते हो तो एक्सप्लिसिट, और अपने अपने आपके पास है तो इम्प्लिसिट। तो जो कॉस्ट होती है उसका फॉर्मूला होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस में इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो उसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कैलकुलेट की जाती है। आप देखो, अब ये जरूरी है जानना कि कॉस्ट जो मेजर होती है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे मेजर होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कि आपने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसके ऊपर टोटल सेक्रीफाइस कितना किया है, मतलब उसके ऊपर सेक्रीफाइस का मतलब है उसके ऊपर टोटल खर्चा किया कितना है, उस आउटपुट को बनाने के लिए आपने क्या क्या खर्चा किया। दो टाइप के खर्चे किया आपने, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट का। तो ये दोनों जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है ना, आपने अपनी चीजों का जो सेक्रीफाइस किया उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने के लिए, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? रेफर्स टू द टोटल सेक्रीफाइस मेड इन टर्म ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की टर्म्स में जो भी आप सेक्रीफाइस करते हो किसी पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट होती है कि जब आप सेल करते टाइम जो उसके ऊपर खर्चा करते हो, जैसे कि एडवर्टीजमेंट होगी, ठीक है, जब आप सेलिंग प्रोसेस में आओगे, जो सेल करने के लिए उसके ऊपर खर्चा करोगे, कि अपनी सेल प्रमोट करने के लिए जो खर्चा करोगे वो होगी आपकी सेलिंग कॉस्ट। और जो प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा करोगे, जो हमने अभी देखा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसको प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा किया ना ये, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है। और सेलिंग कॉस्ट में आता है जो भी आप अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए करते हो, जैसे कि एडवर्टीजमेंट। और हमें जो हमारे सिलेबस में वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़नी है, ठीक है। देखो, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। की शॉर्ट रन कॉस्ट और शेप क्या होती है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की? शॉर्ट रन में ना, जब शॉर्ट रन पीरियड होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए, कुछ कॉस्ट होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं ना आपके, जो वो फिक्स्ड होते हैं, और कुछ होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की कॉस्ट आती है, एक आती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी आती है वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो आप खर्चा करते हो, मतलब रेफरिंग टू एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स फैक्टर, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि आप फिक्स फैक्टर जो होते हैं उनके ऊपर खर्चा करते हो। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनके ऊपर आप खर्चा करते हो। फिक्स फैक्टर कौन कौन से हो गए? जैसे शॉर्ट रन में आप लैंड नहीं चेंज कर सकते, थोड़े टाइम का आपका बिजनेस है, 6 महीने 1 साल का, उसके लिए आप लैंड नहीं चेंज करोगे, लेबर नहीं चेंज करोगे, कैपिटल नहीं चेंज करोगे, अपनी प्लांट मशीनरी वगैरह ये सब चीजें नहीं चेंज करोगे। वेरिएबल फैक्टर जैसे होते हैं रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट नहीं सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, जो टेम्पररी वर्कर्स है उनकी वेजेस हो गई, ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी चीजें, ये चेंज नहीं होती शॉर्ट रन में। टोटल कॉस्ट निकालने का इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो। टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टीसी हो गया टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि फिक्स्ड रहती है। अगर आप भले ही किसी तरीके की आपकी आउटपुट नहीं है, आउटपुट आपकी भले ही जीरो है, तब भी वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रेंट है, जैसे कि आपने लैंड ले रखी है, फैक्ट्री ले रखी है, कि शॉप ले रखी है रेंट पे, ठीक है, भले ही आप उस पर काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी आउटपुट जीरो है, कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपको वो रेंट है 10,000 का, वो पे करना ही पड़ेगा, आप रहो ना रहो, काम करो ना करो, तो वो फिक्स्ड होती है। क्या क्या चीजें होती है? एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हो वो फिक्स कॉस्ट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग पे जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स कॉस्ट है। लाइसेंस फी फिक्स कॉस्ट है। वेजेस एंड सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ की वेजेस एंड सैलरी फिक्स्ड होती है। जैसे कि देखो, आउटपुट है हमारा
और टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, आउटपुट 0 है तब भी टीएफसी हमारा 10 है, आउटपुट 1 है तब भी 10 है, आउटपुट 2 है तब भी 10 है, आउटपुट 3 है तब भी 10 है, आउटपुट 4 है तब भी 10 है, आउटपुट 5 है तब भी 10 है, कि जब किसी तरीके की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही तब भी 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है तब भी 10 रुपए ही देने पड़ रहे हैं, 2 हो रही है तब भी 10 देने पड़ रहे हैं, 3 हो रही है तब भी 10 देने पड़ रहे हैं, 4 हो रही है तब भी 10 और 5 में भी 10, तो जितनी मर्जी आउटपुट हो हमारी फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, आउटपुट यहां पे जितनी मर्जी है 1, 2, 3, 4 या 0, ये 10 पर ही है, फिक्स कॉस्ट हमारी सेम ही है, ये क्या है हमारी टीएफसी, ये हमारी सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि चेंज होती रहती है यूनिट ऑफ आउटपुट पे, मतलब जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उस हिसाब से वो चेंज होती रहती है। अगर आउटपुट आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपकी कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, आउटपुट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। आउटपुट जीरो है तो आपकी कॉस्ट भी उस टाइम पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसलिए हम इसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, रॉ मटेरियल पे जो खर्चा होता है, अगर आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे तो रॉ मटेरियल पे खर्चा कहाँ से होगा, ठीक है। वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एंड टियर एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजें होते हैं वेरिएबल कॉस्ट होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आउटपुट यूनिट्स में है, और हमारा टीवीसी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 पे 0 ही है, 1 पे 10 है, 2 पे 18 है, फिर 3 पे 24 है, 4 पे 28 हो जाता है, 5 पे 32, 6 पे 38, और इसका जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे आपके आउटपुट्स आ जाएंगे कि 1 पे कितना था, 1 पे 10 था, तो ये आप ऐसे ऐसे करके इसको बना लोगे तो जो आपकी ग्राफ की शेप आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। बस यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पुट कर देना और यहाँ पे अपने आउटपुट को पुट कर देना तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इस शेप का आपका ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड द शेप ऑफ टीसी कर्व एज द एग्रीगेट ऑफ द टीएफसी एंड टीवीसी। अगर हम इनको एक साथ देखें, टीवीसी, टीएफसी और टीसी पूरा, जो हमारा, हमें पता है कि जो हमारा टीसी होता है वो क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कि टीएफसी हमारा, देखो ये तो मान लो हमारा 10 है, भले ही आउटपुट 0 है तो ये 10 रहेगा ही, और टीवीसी है अगर ये जीरो भी है, मतलब कोई किसी तरीके की कोई आउटपुट नहीं हो रही है, जीरो हो सकता है, पर टीएफसी हमारा जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, तो मतलब कि जो हमारा टीसी है वो भी कभी जीरो नहीं हो सकता, जितना हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगी टीसी भी उतना आएगा ही आएगा, तो टीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता ना, टोटल कॉस्ट भी पूरी जीरो नहीं होगी, क्योंकि टीएफसी जो है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट वो कभी जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, आउटपुट ले लेते हैं 6 कॉस्ट, यानी कि टीएफसी, टीवीसी और ये टीसी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टीएफसी जब ये 0 था तब भी 10, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10, 6 पे भी 10। टीवीसी हमारा जब ये 0 था तो 0 था, फिर 10, फिर 18, 24, 28, 32, 38। तो टीसी इनका प्लस, 10 प्लस 0, 10, 10 प्लस 10, 20, 10 प्लस 18, 28, 10 प्लस 24, 34, 10 प्लस 28, 38, 10 प्लus 32, 42, 10 प्लस 38, 48, ठीक है। इसका ग्राफ देख लो, यहाँ पे आपकी आउटपुट आ जाएगी,
यहाँ पे आपका टी सी टी एफ सी और टी वी सी। तो सबसे पहले देखो आपका ये टी एफ सी हमारा 10 ही था, चाहे कितनी भी कैसी भी प्रोडक्शन हो रही है टी एफ सी 10 पे ही था। हर लेवल पे टी एफ सी देखो हमारा 10 ही है ना, टी एफ सी 10 है पूरा का पूरा, चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्शन हो टी एफ सी 10 है। नेक्स्ट देखो टीवीसी, देखो टीवीसी आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, टीवीसी 0 पे 0 है, 1 पे 10 था, 2 पे कितना था 18 था, यहां इसको नोट कर लो या देख लो बुक में, देख लो बुक में सेम एग्जांपल है, 3 पे कितना था, 3 पे 24 था, 5 पे था 28, 6 पे है ये हमारा 1 मिनट कुछ गलत हो गया, 0 पे 0 है, 1 पे 10 है, 2 पे 18 है, फिर 3 पे गया ये 28, पेन दिख रहा नहीं मुझे, थ्री पे 24 है, 3 पे 24 है, 4 पे 28 है, 5 पे कितना है, 5 पे 32 है, इसको यहां से हटा के 32 पे थोड़ा ऊपर बनाते हैं, और 6 पे है हमारा 38। तो इसको जब आप मिलाओगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये आपकी टीवीसी की शेप आएगी। और आपका टीसी देखो, टीसी जो है वो 0 पे 10 है, 0 पे 10 है, यहाँ पे देखना ये वाली फिगर्स, 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 28 है, 3 पे कितना है, 3 पे 34 है, 4 पे 38 है, 5 पे 42 है, और 6 पे 48 है। तो ये कुछ इस तरीके की शेप जा रही है टीसी। आपका टीसी कब कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, देखो ये हमेशा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, यहां से 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, टीवीसी हो सकता है, ना ही आपका टीएफसी कभी 0 से स्टार्ट होगा। टीसी कब की शेप भी इस तरीके की होती है, टीवीसी का भी इस तरीके से होता है, टीएफसी आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपकी शेप्स होती हैं कुछ। टीएफसी कांस्टेंट होता है हर लेवल आउटपुट पे, टीवीसी इंक्रीज होता है, ठीक है, और टीसी पैरेलल रहता है टीवीसी के, टीसी कैसा रहता है, पैरेलल रहता है टीवीसी के। अब देखो एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड द शेप ऑफ एसी कर्व। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट होती है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, कि आपकी पर यूनिट ऑफ आउटपुट एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हो, एक यूनिट पे क्या कॉस्ट है आपकी, वो होती है एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट में से, जब आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। देखो एक एग्जाम्पल, आउटपुट यूनिट्स में होता है, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला टीसी अपॉन में क्यू, तो यही है आपका क्यू, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 10 डिवाइडेड बाय 0 इनफिनिटी, 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 28 डिवाइडेड बाय 2 14, 34 डिवाइडेड बाय 3 11.3, 38 डिवाइडेड बाय 4 9.5, 42 डिवाइडेड बाय 5 8.4, 48 डिवाइडेड बाय 6 8। तो जब ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है,
और एवरेज कॉस्ट में ही होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कंपोनेंट, फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में आप जब एएफसी और एबीसी प्लस कर देते हो तो आपको मतलब सॉरी एवरेज कॉस्ट निकल के आती है, जब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देते हो। अब ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट ये होती है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट का एवरेज कितना है, और ये निकलता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट में से जब आप डिवाइड कर दोगे, सेम वही है यार, ये हमेशा 10 रहता है, मतलब हमने 10 लिया है, चेंज नहीं होता है टीएफसी और एएफसी। टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 10 डिवाइडेड बाय 6 1.67, 10 डिवाइडेड बाय 7 1.43, 10 डिवाइडेड बाय 8 1.25। तो ये आ गया आपका, और जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। आप जो भी हमने पीछे नंबर्स लिए उसको पुट कर लेना, यहाँ पे एएफसी रखना और यहाँ पे आउटपुट, तो इस तरीके का बनेगा। और इस तरीके का जो डायग्राम है एएफसी का, इसको हम बोलते हैं, हमसे अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आ सकता है कि एएफसी का जो डायग्राम बनता है कैसा बनता है, तो रेक्टेंगुलर, उसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होती है उसकी। क्यों हाइपरबोला होती है? क्योंकि एएफसी जो होता है वो डिक्रीज होता है, वैसे जैसे जैसे आपकी आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज होती चली जाएगी 1 2 3, वैसे वैसे आपका एएफसी जो है ये डिक्रीज होता चला जाएगा। आउटपुट इंक्रीज होने पे एएफसी डिक्रीज होता हो जाता है, इसलिए आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप की आपकी जो है शेप बनती है एवरेज फिक्स कॉस्ट की। नेक्स्ट आते हैं एबीसी। एबीसी क्या होता है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें जब टीवीसी में आप क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टीवीसी है, पुराने एग्जांपल लेके चल रहे हम सारे। इसमें डिवाइड कर दो एबीसी में, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 7, 32 डिवाइडेड बाय 5 6.4, 38 डिवाइडेड बाय 6 6.3, 46 डिवाइडेड बाय 7 6.6, 62 डिवाइडेड बाय 8 7.7। तो ये इस तरीके का बन गया। और जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है उसकी शेप होती है यू शेप। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप होती है यू शेप। ये यू शेप क्यों होती है? ये यू शेप इसलिए होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है यू शेप इसलिए होती है क्योंकि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे चलती है। मतलब जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है, अगर वो इंक्रीज करेगा यहाँ पे इस टाइम तक जब तक ये डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है ना वो इस टाइम पर इंक्रीज कर रहा होता है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पे आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर जो होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है, तभी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर रही है तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, और जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये यू शेप्ड होता है। ठीक है, जैसे इसमें भी मैंने यही लिखा है। अब आता है मार्जिनल कॉस्ट एंड शेप ऑफ एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट होती है कि जब आप कोई एडिशनल यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे 0 से 1 आई, एक एक्स्ट्रा आई, 1 से 2 हुई, फिर एक एक्स्ट्रा आई, 2 से 3 हुई, एक एक्स्ट्रा आई, तो आपका जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है कि मान लो ये पहले 10 थी, उसके बाद ये 18 होगी, तो चेंज कितने का आया? 8 का। 8 से 20, 18 से 20 होगी, चेंज कितने का आया? 2 का। ठीक है, तो ये जो आपके टीसी में चेंज आता है ये होती है मार्जिनल कॉस्ट। तो टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 ये होता है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। और एक और होता है चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका चेंज और इसका चेंज आप डिवाइड कर दो तो मार्जिनल कॉस्ट निकल के आएगी। ये चेंज का साइन लगा लेना, ठीक है, ये भी होता है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। देखो आउटपुट, देखो
फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, आगे आ जाते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सारे फॉर्मूले इसमें लग जाएंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट ये हमारी 10, 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
टेन जीरो टेन एटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी टू थर्टी एट फोर्टी सिक्स सिक्सटी टू। टीसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल्स टू टीसी। तो इनको प्लस करेंगे आ जाएगा टेन ट्वेंटी ट्वेंटी एट थर्टी फोर थर्टी एट, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, फोर्टी टू फोर्टी एट, कोई बात नहीं, फिफ्टी सिक्स सेवेंटी टू। और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। टीसी में कितना चेंज आया, कितना चेंज आ रहा है टीसी में? टेन से ट्वेंटी में कितना? टेन का। और यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है? जीरो से वन में कितना? वन का। तो ये कितना आ गया? टेन। यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है? ये एट का। और यहाँ कितना चेंज आ रहा है? ये वन से टू में वन का, तो ये कितना आ गया? एट। तो ऐसे ही करते करते सारे निकल जाएंगे, यहाँ पे एमसी कर्व भी हमारा निकल के आ गया। और इसका जो स्लोप बनेगा, अगर आप बनाएंगे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू रखना, यहाँ पे आउटपुट रखना, इसका कर्व भी यू शेप कर्व बनेगा। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होती है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपने एडिशनल यूनिट इंक्रीज करी, तब आपकी टीसी में जो चेंज आया। तो जब आप एडिशनल यूनिट डाल रहे हो और टीसी में भी आपका चेंज आ रहा है, तो ये फिक्स कॉस्ट में तो हो नहीं सकता है, ठीक है? जब चेंज आ रहा है तो फिक्स्ड में कैसा चेंज आ रहा है? फिक्स्ड में तो चेंज आता ही नहीं है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। अब देखो रिलेशन देखते हैं, एवरेज मार्जिनल और टोटल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्या ये मत करते करते थक गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाँ दो जाना जी अब तक। तो टोटल कॉस्ट टेन ट्वेंटी ट्वेंटी एट थर्टी फोर थर्टी एट फोर्टी टू फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स सेवेंटी टू। एवरेज कॉस्ट, अरे एवरेज कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन, तो ये आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी, टेन डिवाइडेड बाय जीरो तो इन्फिनिटी, फिर टेन डिवाइडेड बाय वन टेन, अच्छा तो नहीं, सो चेंज इन, चेंज तो मार्जिनल कॉस्ट में होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, टेन डिवाइडेड बाय जीरो टेन, फिर ट्वेंटी डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी, ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय टू फोर्टीन, इलेवन पॉइंट थ्री, नाइन पॉइंट फाइव, एट पॉइंट फोर, एट एट और नाइन। फिर आते हैं हमारा मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। अब आएंगे इसमें, यहाँ पे चेंज कितना है? ऊपर तो कुछ है नहीं, तो चेंज यहाँ टेन का, तो यहाँ पे वन का, टेन डिवाइडेड बाय वन टेन, तो ऐसे करते करते फोर सिक्स एट सिक्सटीन, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे रिलेशन देखो एसी और एमसी के बीच में, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में आउटपुट। और यहाँ पे हम लेंगे हमारी दोनों कॉस्ट, मान लो ये हमारा प्राइस है, यहाँ पर ये हमारी एक क्वांटिटी है और ये हमारी दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी वन। अब देखो जरा, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां से होता हुआ इस पॉइंट पे कट करके ये यहां से जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है? और जो आपका एसी कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा,
यू शेप यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि जब एसी फॉल हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे देखो, यहाँ एसी फॉल हो रहा है, गिर रहा है ना, ठीक है, तब हमारा जो एमसी कर्व है वो लेस देन है एसी कर्व के, क्योंकि यहाँ एसी फॉल हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे एसी राइज होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारा एमसी कर्व ग्रेटर देन हो जाता है एसी के। जब एसी फॉल होता है हमारा एमसी मार्जिनल कॉस्ट लेस देन होता है एवरेज कॉस्ट के। जब जब एसी फॉल होगा मार्जिनल कॉस्ट कम होगा एवरेज कॉस्ट के, और जैसे एसी राइज होना स्टार्ट हो जाए, एवरेज कॉस्ट राइज होना स्टार्ट हो जाए, हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन हो जाता है एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। और जैसे ही एसी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हमारा एसी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जब एसी कांस्टेंट होता है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। हमेशा एसी कर्व लेफ्ट से काटता है, सॉरी एमसी कर्व जो होता है हमारा लेफ्ट में होता है एसी कर्व के, और वो उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा लेफ्ट में रहेगा एवरेज कॉस्ट के, और वो उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो जब एसी फॉल्स होगा तो आपका एमसी कर्व जो होगा वो लोअर होगा एसी कर्व के, एसी के एवरेज कॉस्ट के, और जब आपका एसी कर्व राइज होगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एवरेज कॉस्ट के, और मार्जिनल कॉस्ट कट्स एसी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट एसी का आपको कब कट करेगी, उसके लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा है यहाँ पे टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या अब होता है, इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं, इकट्ठे नहीं बनते ये टोटल कॉस्ट कब ये मार्जिनल कॉस्ट कब, ठीक है। यहाँ पे दोनों में आपका आउटपुट आ जाएगा। इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, बताया था कि ये जीरो पे स्टार्ट नहीं होता कभी भी, और इस तरीके की शेप बनाता है। और मार्जिनल कॉस्ट का भी हमने देख लिया किस तरीके की शेप थी। तो यहाँ ये इस पॉइंट पे ये देखो, यहाँ पे जो आपका टीसी कर्व है, टीसी है वो आपका डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज तो हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, इसलिए वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद इस पॉइंट को फिलहाल छोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका टीसी कर्व इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तेजी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो वहां पे इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब इस पॉइंट को क्यू, उस पॉइंट को क्यू डैश ले लें अगर हम, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एट पॉइंट क्यू टीसी स्टॉप इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट बिकॉज एमसी टच इट्स लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर आपका जो टीसी है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना छोड़ देता है और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू करता है। इस पॉइंट पे लास्ट था वो जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल कर्व है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है। मार्जिनल कर्व अपने लोएस्ट पॉइंट पे जब आता है जब आपका टीसी कर्व जो है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना छोड़ देता है, उसके बाद आपका टीसी कर्व इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यही था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है जब वो डिमिनिशिंग है तो टीसी आपका इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट राइज होगा टीसी कर्व आपका इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, और मार्जिनल कॉस्ट जब अपने लोएस्ट पे पॉइंट पे होगा तो वहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना आपका टीसी कर्व बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आया, यहाँ पे टीसी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे ये बंद हो गया डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना, क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट भी अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे यहाँ तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ने इंक्रीज होना स्टार्ट किया तो आपका टीसी कर्व भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, थैंक यू सो मच।